नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लकवे के मरीज का डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, लकवे के मरीज को क्या खाना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए और क्या होनी चाहिए उसकी रूटीन। दोस्तों इससे पहले कि आगे बढ़े, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक दीजिएगा। दोस्तों लकवे के पेशेंट को नाश्ता में एक ग्लास दूध के साथ दलिया, पोहा, उपमा, अंकुरित अनाज में से कोई एक चीज और एक फल देना चाहिए। लंच में दो रोटी, एक कटोरी चावल, हरी उबली हुई सब्जी, एक कटोरी पतली दाल और सलाद देना चाहिए। शाम को एक कप ग्रीन टी और सूप, उसके साथ दो बिस्किट देना चाहिए। रात में दो पतली रोटी, एक कटोरी हरी सब्जी देना चाहिए। लकवे के मरीज का जो रूटीन होता है वो सुबह में सूर्य की रोशनी कम से कम 25 से 30 मिनट लेना चाहिए, बॉडी का मसाज करना चाहिए, कमजोर भाग को अच्छी तरह से व्यायाम या फिजियोथेरेपी करना चाहिए, थोड़ा टहलना चाहिए, उसके बाद नाश्ता खाना देना चाहिए, फिर रेगुलर मेडिसिन देना चाहिए। याद रहे जो अनकॉन्शियस पेशेंट हैं उनको राइस ट्यूब से ही भोजन देना चाहिए। रोजाना 7 से 8 घंटे नींद करना जरूरी है। लकवे के मरीज को क्या परहेज करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। फास्ट फूड नहीं देना चाहिए, घी, नमक, पूरी, समोसा, चाट, पकौड़ा, मक्खन, आइसक्रीम, दूध का चाय, कॉफी इत्यादि नहीं देना चाहिए। फ्रूट्स में केला, संतरा, एप्पल, सब्जियों में आलू, स्वीट पोटैटो, टमाटर इत्यादि दे सकते हैं, इससे मरीज को फायदा मिलेगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो एक लाइक दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।